आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। यूक्रेन में फंसे नागरिकों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर किया जारी। जिलाधिकारी ने कहा जनपद के यूक्रेन में फंसे नागरिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर ले सकते हैं सहायता। जिला प्रशासन करेगा पूरी मदद। ऑस्ट्रेलिया तो छुट भैये नेपाल भागने की फिराक में। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा 3 मार्च को गोरखपुर क्षेत्र से लगेगा भाजपा की प्रचंड जीत का जोरदार छक्का। यूपी में बाबा भी हैं, उनका बुलडोजर भी है और विकास भी है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती ने कहा हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। गोरखपुर मंडल से बीजेपी और अन्य विरोधी पार्टी का जरूर करना है सफाया। चरण में ही भाजपा पूर्ण बहुमत से आगे। सीएम योगी ने किया दावा। कहा सरकार के एक हाथ में विकास तो दूसरे हाथ में है अपराधियों की छाती पर चलने वाला बुलडोजर। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा सपा सरकार में विकास का मतलब था सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री। गोरखपुर की सभी सीटों पर चाहिए भाजपा की जीत। नई बनाई गई फ्लाइंग स्क्वाड की टीम को जिला प्रशासन ने दिया प्रशिक्षण। एडीएम सिटी ने कहा पहले जिले में कार्य कर रही थी 27 टीमें, अब बढ़ाकर किया गया 81 टीम। हर विधानसभा में कार्य करेंगी 9 टीमें। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे मीडिया से हुए रूबरू। कहा डबल इंजन की सरकार ही है जनता के सुख का रास्ता। पिछले 4 चरणों के रुझान भाजपा के पक्ष में। प्रदेश में जीतेंगे 300 से ज्यादा सीटें। 2022 में फिर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार। विधानसभा चुनाव के लिए 7,000 से ज्यादा मतदान कार्मिकों ने बैलेट व बॉक्स के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र पर ही किया मतदान। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। गोरखपुर में शनिवार को पाए गए 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 257। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख ने जटाशंकर स्थित गुरुद्वारे पर पहुंचकर मत्था टेक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मांगी मन्नत। बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लेने की युवाओं से की अपील। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने जनपद में 3 मार्च को होने वाले मतदान के लिए नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि एक सशक्त लोकतंत्र के लिए मतदान है बहुत जरूरी। एक एक मत से बनती है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं द्वारा महानगर में निकाला गया शोभा यात्रा। भाजपा के पक्ष में वोट डालने की नागरिकों से किया अपील। और स्वर्णकार कारीगर कल्याण समाज ने मुख्यमंत्री योगी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया जनसंपर्क। भाजपा के पक्ष में वोट डालने की नागरिकों से की अपील।